लोकसभा चुनाव के बीच कल फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं धीरज गुर्जर जी, जो पूरी तैयारी प्लानिंग के लिए आगरा पहुंचे हैं। किस तरह से कल प्रियंका जी का रोड शो रहेगा और किस तरह से इसके असर पड़ने वाले हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के हमारे जो उम्मीदवार हैं फतेहपुर सीकरी के, फौजी रामनाथ सिकरवार जी, उनको ताकत देने के लिए और उनके पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी दोपहर बाद फतेहाबाद पहुंचेगी और लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा उनका रोड शो होगा। हज़ारों की संख्या में आमजन और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रियंका गांधी जी को समर्थन देंगे रामनाथ सिकरवार जी के लिए। इसकी तैयारियों के लिए पिछले काफ़ी समय से हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जी, यहाँ के प्रभारी तौकीर आलम जी और भाई प्रदीप नरवाल जी यहाँ पर सब जगह गए हैं। पाँचों विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, आमजन के साथ मीटिंग करी है। फतेहाबाद कस्बे के अंदर लोगों से मिले हैं, लोगों को जाकर पीले चावल देके उनको निमंत्रण दिया है कि आप सबको यहाँ पर पहुँचना है। और कल पूरे बाजार के अंदर कहीं पांव रखने की जगह भी नहीं होगी। ऐसा ऐतिहासिक रोड शो होगा जो रोड शो इंडिया गठबंधन को ताकत देगा, भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करेगा और इस देश के अंदर जो अराजकता और लोकतंत्र और संविधान खतरे में आया है उन सब के खिलाफ कांग्रेस ने जो न्याय की बात करी, उस न्याय की बात को ताकत देने का काम कल होगा। यहाँ कल प्रियंका जी का रोड शो है, उसके लिए तैयारी पूरी कर रहे हैं जी। इसी क्षेत्र में प्रियंका जी एक बार और रोड शो कर चुके हैं 2022 में, यही प्रत्याशी से विधानसभा और लोकसभा चुनाव का अंतर है, तो आप किस तरह से देखते हैं नतीजों में कितना अंतर आएगा? देखिए, निश्चित रूप से नतीजों में अंतर पड़ेगा। पिछली बार भी जब प्रियंका गांधी जी आई, ठीक है हम जीत नहीं पाए, लेकिन बहुत अच्छे मतदान जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो साथी हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनमें बहुत अधिक मतदान लेने वाले टॉप 5 उम्मीदवारों में रामनाथ सिकरवार जी थे। इस व्यक्ति ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सीना तान के इस देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम किया है, जिन्होंने अपना जीवन इस देश की रक्षा के लिए और फौजी जीवन के लिए समर्पित कर दिया। आज भी वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, लोगों को उनका न्याय और अधिकार दिलाने के लिए राहुल गांधी जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह का आम व्यक्ति का जीवन जीते हैं, लोगों की संघर्ष और के साथ रोज मुखातिब भी होते हैं, उस तरह से रामनाथ सिकरवार जी के चुनाव जीतने की तय हो चुकी है बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दो भाड़ों में बटी हुई है। उनके उम्मीदवार के सामने उनकी ही पार्टी के विधायक के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान चुकी है कि ये सीट उनके हाथ से निकल गई है। यानी जो फतेहपुर की लोकसभा सीट पर भाजपा का जो आपसी घमासान है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा? आपसी घमासान का फायदा भी मिलेगा। इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसका फायदा भी मिलेगा। और जिस तरह से पूरे देश के अंदर आपने 2 चरण हुए हैं, इन 2 चरणों के चुनाव के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट लोगों के सामने आई है, जिस तरह से वो बातें करने लगे हैं और जिस तरह से देश के महंगाई के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ मुद्दा आधारित राजनीति करने की जगह वो हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं, इस बात की द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा, विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष का जो गठबंधन आपका बना है, हिंदी गठबंधन बना है, कल कौन कौन चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं या किस तरह का सहयोग आपके जो सहयोगी दल हैं गठबंधन को, उनका मिलने वाला? मैं तो चाहूँगा पहले आप इंडिया गठबंधन बोले, हिंदी ना बोले। मैं चाहूँगा कि पहले आप इंडिया गठबंधन बोले, इंडी गठबंधन किन्हीं का प्रोजेक्टेड कीजिए है यहाँ पे। ऑलरेडी आगरा में, आगरा में हमारे पार्टनर, हमारे अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद आए थे और बड़ी जनसभा हुई थी, इसमें रामनाथ सिकरवार जी पहुंचे थे। इस दोनों लोकसभा के लिए उन्होंने कैंपेनिंग किया। कल प्रियंका जी आ रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष समेत पूरे सिस्टम वहाँ पर रहेगा। दोनों अलायंस पार्टनर मजबूती के साथ हरेक लोकसभा चुनाव हो लोग मजबूती से लड़े। यहाँ के आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर और तमाम मजलूम लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहा, समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा। और दोनों जो चरण के चुनाव हुए हैं उसका असर भी इसमें दिखेगा कि किस तरह से दोनों में जो हमें बढ़त मिली है, यहाँ हम बम्पर वोट से हम जीतने जा रहे हैं सीट हमारी। तो ये देखिए, कांग्रेस नेता हैं जो प्रियंका गांधी की रोड शो की तैयारी के लिए आगरा पहुंचे हैं। कल प्रियंका गांधी 3 मई को फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर पहुंचेंगी और एक रोड शो करेंगी, इसके लिए कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी तैयारी को लेकर अंजाम दिया जा रहा है। कल प्रियंका गांधी का रोड शो होना है, जिसको देखना होगा परिणाम में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।